अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास, दिस इज़ योर असेसमेंट नंबर 1 ऑफ जून 2020। टोटल मार्क्स आर 40। सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर साइंस। योर नेम, डेट, कैंपस एंड एटी नंबर। कैंपस में हमने राइट करना है आप कौन से कैंपस में पढ़ते हैं, पिशावर रोड कैंपस में पढ़ते हैं या ब्रिटिश होम्स में। ओके, आपके लिए इजी इस तरह से है कि आप एज़ इट इज़ इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और अपने फर्स्ट पेज के ऊपर इसको एज़ इट इज़ नोट करके फिल कर दीजिए। ऐसे ही लिखिए, अलाइड स्कूल असेसमेंट 1 क्लास 6 टोटल मार्क्स कंप्यूटर साइंस। ऐसे ही ये चीज़ें लिखिए और इनको फिर फिल अप कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तमाम क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन चॉइस में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इन ब्लैंक स्पेसेस में लिखना है। दीज आर द एमसीक्यूज। डैश इज़ अ सर्च इंजन। डैश सर्च इंजन है डिस्कवरी, याहू, इंटरनेट। टू कंपोज अ मैसेज यू हैव टू डैश योर अकाउंट। कोई भी मैसेज कंपोज करने के लिए हमें अपने अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, इंटरनेट या फिर नन ऑफ दिस। मैसेज राइट आउट करने के लिए डैश हेल्प्स टू सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल पीपल। कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो एक ही मैसेज बहुत से लोगों को सेंड करने में हमारी हेल्प करता है, सी सी, बी सी सी या फिर फ्रॉम। कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट इज़ यूज टू डैश द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, सेव, ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टू टाइप्स ऑफ डैश। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप टू टाइप्स की, पेज ओरिएंटेशन, पेज स्पेसिंग की या फिर नन ऑफ, कोई भी ऑप्शन नहीं है। नाउ यू हैव टू राइट द ऑल दिस ऑन योर पेपर। आप समझ लें हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है। यू हैव टू कॉपी ऑन योर पेपर एंड देन यू विल सॉल्व एंड राइट देयर आंसर्स। ओके, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लेक्चर को पॉज करके पेपर को ये इसको नोट डाउन कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, फिर हमने नेक्स्ट पेज ओपन करना है। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी 5 मार्क्स की हैं। साइन अप, वेब पेजेस, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फॉर्मेट और पैराग्राफ स्पेसिंग, दीज आर द ऑप्शंस ऑफ दीज ब्लैंक्स। ओके, रोटेट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द डैश टैब। रोटेट ऑप्शन किस टैब में होता है, ठीक है, रोटेट करने का प्रेजेंटेशन को, किसी भी चीज़ को। डैश इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ, जो भी हमने पैराग्राफ्स लिखे उनसे पहले और उनके बाद में जो स्पेस हम अमाउंट ऑफ स्पेस एंटर करेंगे वो क्या कहलाएगी, इसमें ऊपर ऑप्शन दिया गया आपको। बी सी सी स्टैंड्स फॉर डैश। बी सी सी का क्या मतलब है, यहाँ आपने वो लिखना है। डैश बटन इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले हम किस बटन को क्लिक करेंगे, फिर वो हमें नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन देता है। अब वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डैश। वेबसाइट क्या है, वो कलेक्शन है इंटर रिलेटेड, मतलब उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को आपस में रिलेट करने की, क्या किन को आपस में रिलेट करने की, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। नोट डाउन दिस वन ऑन योर पेपर एंड देन यू विल सॉल्व इट। क्वेश्चन 3, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रोंग वंस। ट्रू फॉल्स है। कंट्रोल प्लस जी इज़ यूज टू अनडू एन एक्शन। यूज यहाँ डी आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी जो है वो किसी भी एक्शन को अनडू करने के लिए करता है, मतलब हमने कोई काम किया वो रोंग हो गया, हम कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो वो अनडू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो वाला स्टेप। तो क्या ये ठीक है। यू कैन नॉट सेट पेज मार्जिज इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या हम एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है, एम एस वर्ड में जब हम कंपोजिंग कर रहे होते हैं उसमें हम पेज के मार्जिन्स जो हैं वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। ई मेल वॉज स्टार्टेड इन 1965। ई मेल जो है वो 1965 में स्टार्ट हुई थी। होम पेज इज़ द फर्स्ट वेब पेज। होम पेज जो, जब भी हम कोई एड्रेस लिखते हैं और उसको सर्च करते हैं तो जो पहला पेज ओपन होता है वो क्या होम पेज कहलाता है। एक्सटर्नल मोडियम्स आर मोर एक्सपेंसिव। एक्सटर्नल मोडियम्स ज़्यादा महंगे होते हैं इंटरनल मोडियम्स की निस्बत। ये आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन 4, अनस्क्रैम्बल ईच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म अ वर्ड और टर्म। ठीक है, आप ये अनस्क्रैम्बल करना है, इनको स्क्रैम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने अनस्क्रैम्बल करके इनके आंसर्स लिखने हैं। एज इट इज़ इनको कैपिटल लेटर्स में ही कॉपी करना है आपने और फिर इनके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। इस टर्म को आप डिफाइन करेंगे। ईमेल, ये की टर्म्स हैं आपके।
ईमेल, www, URL एंड 3D effect. ये आपके क्या हैं, की टर्म्स दिए गए हैं, की वर्ड्स दिए गए हैं, ये इनको आपने एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 3 questions हैं, तीनों आपने करने हैं, कोई चॉइस नहीं है. डिफाइन पेज ओरिएंटेशन, डिफाइन करें पेज ओरिएंटेशन को क्या है. राइट द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल के एडवांटेजेस लिखें, फवाइद. व्हाट इज ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या है. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं. आपने ये कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है, अपने कंप्लीट पेपर को अपनी आंसर शीट पे कॉपी करना है और फिर इसको आपने सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.